हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपने सारे कैबिनेट्स लोअर वाले जो है ना ओपन कर रखे हैं, इससे आसानी से दिखा सके इसको मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है। चलिए इधर लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है रखा हुआ है अपने केक बनाने वाले सारे सामान एक जगह पे, जो कि आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से नीचे वाले कैबिनेट में भी जो डिब्बे मैंने चीज़ें रखी हुई हैं से मिल जाती है इस तरह से, और क्लीन करने में भी आसानी रहती है। डस्टिंग वाला, तो यहाँ पे हमने डेली यूज़ वाले अपने बर्तन रखे, प्लेट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इस तरह से रख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसमें डोंगे हैं सेकंड वाले कैबिनेट में, इस तरह से डेली यूज़ वाले हम अपने डोंगे रख सकते हैं। एंड यहाँ नीचे इस तरह से बर्तन कुछ रख सकते हैं हमारे यूज में आते हैं डेली। इसी तरह से इस कैबिनेट में हमने जो डेली यूज वाले ग्रॉसरी वाले होते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। एंड ये तो सिलेंडर के लिए होता ही है, जो साथ में यहाँ पे स्पूंस वगैरह जो डेली यूज के होते हैं उनको रखते हैं। एंड यहाँ मैंने चाय के लिए बिल्कुल अलग रखा हुआ है सेपरेट कैबिनेट में, तो इस तरह से अच्छा रहता है। डेली यूज़ वाले हमारे ये कुकर्स हैं इस तरह से, इधर भी एक कैबिनेट है, इसमें भी कुछ कप्स वगैरह रख सकते हैं। और ये है डेली यूज़ वाले हमारे बर्तन, जो कि हम बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठे रखते, जितना यूज़ होता उतना ही रखते हैं, बाकी स्टोर में रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। नीचे वाले कैबिनेट में मैंने आटे चावल के लिए रखा हुआ है, अलग अलग डिफरेंट टॉप क्या रखा है मैंने, इससे दिक्कत ना हो आटे चावल के लिए। लास्ट वाले में ना मैंने कुछ बड़े बर्तन रख दिए, तो ऑकेजनली यूज़ होते हैं, इस तरह से कैबिनेट में मैंने जगह बना दिया। सो गाइस, आई होप कि ये जो मेरा किचन का लोअर कैबिनेट जो मैंने रखा है पसंद आया आपको, ताकि तो सब अपने हिसाब से रखते हैं, रिसेटिंग करते हैं सहूलियत के हिसाब से। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में ब्लॉग के साथ, टेक केयर।